हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी बेल्ट वाले अस्तर वाले बेल्ट के ब्लाउज की सिलाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े पर अस्तर को बिछा लेना है इस तरीके से। फिर हमें चारों तरफ सिलाई लगा देनी है इस तरीके से हमें चारों तरफ सिलाई लगा देंगे अच्छे से। हमारे कपड़े इधर उधर भगे नहीं, गले के साइड भी इस तरीके से लगा देंगे सिलाई अच्छे से। ये हमें हमारी सिलाई कच्ची ही लगेगी इस तरीके से। अब हमें प्लेटों को पकड़ना है हाफ इंच लेते हुए इस तरीके से। हमें हाफ इंच की चौड़ाई लेते हुए फिर सिलाई लगा लेनी है। इस साइड भी हम हाफ इंच ही लेंगे इस तरीके से पकड़ते हुए हाफ इंच। इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। इधर भी हम हाफ इंच ही लेंगे और हमें सिलाई लगा दे इस तरीके से। अब हमारी नीचे वाली जो प्लेट है मैंने 1 इंच चौड़ाई ली है इस तरीके से। हमें सिलाई लगा देनी है। अब हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे तो हम सबसे पहले लाइनिंग को ले लेते हैं। लाइनिंग को हम उल्टी साइड लाइनिंग वाली साइड ही रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से पकड़ के हमें लाइनिंग को रखना है। फिर ऊपर से कपड़े को रख के फिर हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। फोल्ड करते हुए बेल्ट को इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है अच्छे से पकड़ते हुए। ये हमारी एकदम फिनिशिंग वाली सिलाई लगेगी। ये देखिए, इस तरीके से हमारे दोनों साइड से फिनिशिंग हो गई है। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे ऊपर से। इस तरीके से हमारी सिलाई लग जाएगी। हमें सिलाई लगा देनी है ऊपर से। तो मेरा फ्रंट पार्ट इस तरीके से तैयार हो गया है लगभग। तो हमें अब फ्रंट पट्टी जोड़ेंगे इस तरीके से। पट्टी को रखते हुए इस तरीके से हमें रख देना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। हमें सिलाई लगा देनी है। अब हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे ये देखिए, ताकि हमारी पट्टी और भी मज़बूत हो जाए। तो इसको हम फोल्ड करके हम इस पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। दोस्तों, इस साइड हमारे हुक लगते हैं तो इस साइड हमें तुरपाई करनी होती है। तो इसको हम अंदर साइड ही फोल्ड करते हैं इस पट्टी को। इस तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे इसको पहले। तो हमें दूसरा पार्ट तैयार कर लिया। देखिए, मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया। अब हम इसमें भी पट्टी ज्वाइन कर देंगे। ये पट्टी हमें एक्स्ट्रा लगानी है तो मैंने कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लिया है इस तरीके से। हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। फिर इस तरीके से पकड़ते हुए अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखें, सिलाई हमें पट्टी ही लगानी है अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा देना है। तो इस तरीके से मेरे फ्रंट पार्ट तैयार हो चुके हैं इस तरीके से। अब हमें बैक को लगाना है। तो इस पर भी हम कपड़े पर लाइनिंग को रखते हुए उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे चारों तरफ इस तरीके से। हमें सिलाई लगा देनी है चारों तरफ ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर लाइनिंग भी भगे ना और हमारी सिलाई बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ लग जाए। तो हमें पूरे कपड़े पर लगा देनी है सिलाई। ये देखिए, मेरी सिलाई लग चुकी है। तो सबसे पहले हम प्लेट का मार्जिन लेंगे। तो हमें प्लेट डालनी है इसमें। तो हम प्लेट डाल लेंगे इस तरीके से। इस पर हम 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें प्लेट डालनी है इस तरीके से। वैसे भी सिलाई लगा लेनी है। अभी जो मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा आप देख सकते हैं, लाइनिंग में चौक का निशान लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम इधर भी लगा लेंगे। ये देखिए, मेरा अस्तर थोड़ा छोटा था ना, इसलिए मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। अब इस तरीके से कपड़े को पकड़ते हुए हमें पहले एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे जो भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इस तरीके से कपड़े को पकड़ते हुए इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इस पर हम बाद में तुरपाई करेंगे। तो हमें तुरपाई लगानी है इस पर। तो पहले हम सिलाई से इसे रोक देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो मेरी पेट पड़ चुकी है। तो हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो हमें स्लीव पे अस्तर को रख लेना है उल्टी साइड। ये देखिए, इस तरीके से हमें रखना है और पकड़ते हुए पूरे पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, मेरा फ्रंट पार्ट ऊपर है तो मैंने इसको लगा लिया सिलाई। अब हमें अच्छे से रखते हुए हमें चारों तरफ इसकी सिलाई लगा देनी है।
हम आगे कॉर्नर पे भी इसकी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमें कॉर्नर पे सिलाई लगा देनी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बारीक की सिलाई लगा देनी है। हम सिलाई लगा देंगे पूरे पे। ये देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। अब हमें चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी स्लीव अच्छे से बैठ जाए। इस तरीके से अच्छे से पकड़ते हुए दोस्तों, इसको अच्छे से पकड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई लग गई है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी हम उसे कट कर देंगे। ये देखिए मेरी स्लीव्स तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए मेरी दोनों स्लीव तैयार हो गई। तो इसको पकड़ते हुए जो एक्स्ट्रा मार्जिन, उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर देना है। अब हम बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को रखते हुए अब हमें कंधे पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हम फिनिशिंग वाली लगाएंगे तो हम सीधा ही रखेंगे, उल्टी साइड अंदर को रखेंगे। इस पर पहले एकदम एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। फिर हम एक्स्ट्रा कपड़े को जो भी है उसको कट कर देंगे। इसको फोल्ड इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिर हम इस पर कॉर्नर पे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है हमें। इससे हमारा दोस्तों क्या होता है, हमारा कंधा एकदम फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट हो जाता है। इससे मजबूती भी अच्छी रहती है, फिनिशिंग भी रहती है। तो हमें कंधे की पट्टी ज्वाइन करनी है। तो इस तरीके से हमें पट्टी को रखते हुए और रेप को हमें सारी पट्टियों को ज्वाइन कर लेना और इस तरीके से कर लेना है। तो मेरी पट्टी ज्वाइन हो चुकी है। तो अब हमें गले पे लगाना है पट्टी। इस तरीके से पट्टी को डबल फोल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हाफ इंच का मार्जिन ही लेना है दोस्तों। इस तरीके से हमें पूरे पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ये दोस्तों सिलाई हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक लगानी चाहिए क्योंकि गले की उरे पट्टी है। तो इस उरे पट्टी को हल्का सा खींचते हुए लगानी है, ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा एकदम खींचते हुए लगानी है। इससे हमारी पट्टी बहुत ही अच्छे से लग जाती है और बहुत ही फिनिशिंग और बराबर बैठती है मेरी पट्टी। तो इस तरीके से हमें हल्का सा एकदम खींचते हुए लगा लेनी है पूरे गले पर। ये देखिए मैंने लगा लिया। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से। हमें कट कर देना है कपड़े को। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है हम उसे कट कर देंगे। ये देखिए मेरा कपड़ा कट हो चुका है। अब हमें इस पर कॉर्नर पे एकदम सिलाई लगा देनी है। इससे हमारा पट्टी और भी मजबूत भी हो जाएगी और फिनिशिंग भी इससे अच्छी आती है। तो हमें इस पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। हमें पूरी पट्टी पे सिलाई लगाते जाना है एकदम कॉर्नर पे। देखिए इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है पूरी अच्छे से। ये देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। अब हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो हम इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए और दोनों पार्ट को साथ में रखते हुए और दोनों पार्ट को हल्का सा खींचते हुए लगा देना है। इस तरीके से हम सिलाई लगाते हैं स्लीव में तो हमारी स्लीव्स अच्छे से बैठ जाती है। तो हमें दोनों पार्ट को हल्का सा खींचते हुए लगा लेना है। इससे बहुत ही अच्छे से आस्तीन बैठ जाती है और उसमें खिंचाव नहीं आता है। तो हमें इसी तरीके से लगानी है। ये देखिए मेरी स्लीव्स लग चुकी है। ये देखिए अब इस साइड भी हम स्लीव लगा लेंगे। तो मेरी दोनों स्लीव लग चुकी हैं। तो हम अपनी नाप के साथ इसको हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। जितना भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था उसको छोड़ते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेना है इसी तरीके से। ये देखिए तो मैंने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से दोनों पार्ट को रखते हुए अब हम इसे निशान लगा लेंगे जितना भी हमें छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी हम इसे कट करने के बाद उसे फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से कट कर देंगे पहले। ये देखिए कट कर देंगे। उसके बाद हमें फोल्ड कर देना है जो भी कपड़ा है निशान जो मैंने लगाया था। इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है और कच्ची सिलाई लगा देनी है। इस सिलाई को हम बाद में हटा देंगे इसलिए मैंने फिर कच्ची सिलाई लगाई है। इस पर हम तुरपाई कर देंगे बाद में।
हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ जो भी मैंने निशान लगाया था उस निशान के अकॉर्डिंग ये देखिए दोस्तों। तो मेरे अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज की सिलाई हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।